माई सेल्फ डॉक्टर मयूख शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर द्रव्यकुंड डिपार्टमेंट इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम पारिश के बारे में बात करेंगे। पारिश, जिसे थेस स्पेसिया पॉपुलनिया भी कहते हैं, ये इसका बॉटनिकल नेम है और इसकी फैमिली मालवेसी है। इसमें लघु वृक्ष गुण है, कषाय इसका रस है, विपाक इसका कटु है और ये शीतवीरी वाला होता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसकी पुष्पदल में पॉपुलनिनिन और पॉपुलनेटिन ये द्रव्य होते हैं। इसके अलावा हर्बेसेटिन नाम का एक द्रव्य भी इसमें पाया जाता है। इसके दोषकर्म देखें तो ये कषाय होने के कारण कफ पित्त शामक है, इसलिए कफ पित्त विकारों में इसको यूज में लिया जाता है। इसके और कर्म देखें तो ये संधानीय है, शोथर है, एंटी इन्फ्लामेटरी और स्किन डिसऑर्डर में भी ये काम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये स्तंभन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ये रक्तपित्त शामक है और ब्लड प्योरीफायर है, इसलिए रक्तपित्त आदि रक्त विकारों में ये बहुत उपयोगी है। स्तंभन होने के कारण यह पाचन संस्थान में अतिसार और अर्श रोगों में इसको काम में लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम में देखें तो ये मूत्र संग्रहणीय है, इसलिए ये प्रमेह आदि में प्रयुक्त होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो ये योनि दोष हर है, इसलिए प्रदर आदि योनि रोगों में इसका प्रयोग हम करते हैं। शीतवीर्य होने के कारण दाह की शांति के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है और ये विषग्न है और मेदोहर है, इसलिए विषों में और मेदो रोग में लेखन के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोजन त्वक है, इसके क्वाथ की मात्रा 50 से 100 ml होती है। इसके फलों की राख तेल में मिलाकर खुजली दाद आदि जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें लगाई जाती है और इसकी छाल का काढ़ा पिलाया जाता है।